संकल्प था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हों। आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और जो प्रतिबद्धता थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन अगर ये निर्णय कहीं भी कुछ होता है तब भी हम ओबीसी के हमारे कार्यकर्ताओं को 27% से भी ज्यादा अवसर देने का काम करेंगे। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा जो ओबीसी कमीशन हमारी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के लिए जो बनाया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए ओबीसी कमीशन ने जो तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के महापौर के चुनाव तक जो ट्रिपल टेस्ट की तैयारी करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं मध्य प्रदेश की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिजर्वेशन के आधार पर आगामी चुनाव को करे और उसके बाद चुनाव का डिक्लेरेशन हो। इसलिए मध्य प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की, हमारे संगठन की जो प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी का ये चुनाव, ओबीसी वर्ग को जो अवसर मिलने चाहिए थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर के मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव होंगे। यह केवल गर्व की बात नहीं है, हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है। और आज ये साफ हो गया मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस किस प्रकार से इस चुनाव को बाधित कर रही थी, कांग्रेस ने इस चुनाव को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया था, ओबीसी समाज वर्ग को अवसर न मिले कैसे कांग्रेस प्रयास कर रही थी, उनके वकीलों ने जो जो किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक अथक प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, हमारे सभी समाज वर्ग के लोग मिलकर के इस चुनाव में जो इतिहास बना है, मुझे ऐसा मानना है कि जो हम चाहते थे, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, जो संकल्प लिया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया कि भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति देकर के इस बात का उल्लेख किया है कि 50% संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उससे ज्यादा लिमिट में न जाकर के बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार और नेतृत्व को बधाई देता हूं। सर, कोर्ट ने जो बोला जो होगा वो एससी एसटी माइनस ओबीसी होगा सर, उसके बाद ओबीसी को। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा, 20% ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी, इलेक्शन कमीशन उस पर तैयारी करेगा, कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि कहीं कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे, जो समाज के सबका साथ सबका विकास और सबको लेकर चलने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार था
वो पूरा हुआ है। कांग्रेस के पेट में दर्द मुझे लगता है इस साल और बढ़ गया होगा कि वो जो चाहते थे कि चुनाव न हो, ओबीसी को अवसर न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के आधार पर आज हमें गर्व है कि हम इस दिशा में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।